तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये एक अलग ही वीडियो होने वाला है क्योंकि हम लोग जाने वाला है अपना घर, वो भी बाइक से, वही रोड। तो रोड से जाने वाला है बाइक राइडिंग करके। तो मेरे साथ है अनिमेष भैया, वो अभी आते ही होंगे। वो पीछे से बाइक निकल रहा है, अभी देखिए वो आ रहे हैं, आ गया है। चलते हैं, धीरे धीरे सब कुछ दिखाते हैं। अभी तो शुरू हो गया, हॉस्पिटल से निकल गए हैं, अभी रास्ते में है। तो अभी बज रहा है रात को 4 बजे, तो चारी ओर तो अंधेरा हो गई। तो देखते रहिए वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कुछ देर आने के बाद हम लोग रुके हुए एक पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पेट्रोल तो भरना होगा ही, क्योंकि हम लोग को जाना है 572 किलोमीटर, जो हम लोग का जो है झारखंड स्टेट से वेस्ट बंगाल में हावड़ा तक जाने के लिए डिस्टेंस है 572 किलोमीटर। उसके लिए तो अच्छा खासा पेट्रोल चाहिए होगा। अभी हम लोग पेट्रोल भरवा के निकल ही गए हैं। अभी थोड़ा सा मौसम साफ हो गया है, हम लोग सुबह सुबह ही निकले हैं। तो अभी देख रहे हैं चारों ओर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सुंदर लग रहा है भाई। रोड क्लियर रोड है, कोई नहीं है रोड में अभी, क्योंकि ये जो रोड गया है एकदम जंगल पहाड़ के आसपास से गुजरते हुए ही गया है। तो वो हम लोग अभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो कितना ब्यूटीफुल प्लेस है वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, पहाड़ भी है वो भी हम लोग दिखाएंगे आपको। रास्ते में चारों ओर इतना कोहरा छाया हुआ है, क्या बताएं आप लोगों को। कोहरा मतलब बंगाली में कुआसा बोलते हैं। इतना छाया हुआ है, इतना डरावना लग रहा है। पहली बार राइडिंग में निकले हैं, इतना डरावना और इतना ठंडा लग रहा है, क्या बताएं आप लोगों को। धीरे धीरे कोहरा थोड़ा साफ हो रहा है, मतलब कुआसा थोड़ा साफ हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में। ये एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है, जो रोड मतलब जंगल के बीचों बीच रोड है। दोनों साइड में साल का पेड़ पौधा लगा हुआ है और छोटा छोटा घर है जंगल के बीच में। इतना खूबसूरत लग रहा है। अभी अभी तो सुबह 4-5 बजे की बात है, जब एकदम सूरज पड़ने लगता है ना, तो तब और भी ब्यूटीफुल लगने लगता है ये जो रोड है। तो अभी तो पूजा का समय है, दुर्गा पूजा का समय है, तो थोड़ा बहुत लाइटिंग वगैरह भी देखने को मिल रहा है। पैंडल भी है, वो भी हम लोग आगे जाके आगे दिखाएंगे आप लोगों को। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसमें अगर सूरज का रोशनी पड़ जाता ना, मतलब और थोड़ा क्लियर हो जाता, तब अच्छा लगता है ये प्लेस। ये देखिए पंडल, जो हम बोले थे कि आप लोगों को दिखाएंगे, रास्ते पे जाते जाते दो दो पंडल लगा हुआ है दोनों साइड में, देख सकते हैं। एकदम कि मतलब जंगल के बीचों बीच ही रोड है, देख पा रहे हैं आप लोग। दोनों साइड से जंगल से घिरा हुआ है, पेड़ से घिरा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। पहली बार राइडिंग में निकले हैं, इतना मज़ा आ रहा है, क्या बताएं आप लोगों को। क्योंकि ये जो पहाड़ है, ये जो जंगल है, बीच में रोड है, ये ब्यूटीफुल प्लेस, इससे पहले कभी देखे भी नहीं है और इसका मज़ा कभी लिए भी नहीं है। अभी हम लोग एक चाय के दुकान में रुके हैं, थोड़ी देर चाय वाय पियेंगे, बैठेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। ये हमारा फुल लोडेज लगेज है, ये बाइक है और ये फुल लोड है, एकदम हालत खराब हो गया है। देख सकते हैं, फिर से निकल चुके हैं। देखते रहिए वीडियो। बीच बीच में हम लोगों को भी थोड़ा रुक रुक के जाना चाहिए, क्योंकि 572 किलोमीटर थोड़ा इतना सा नहीं होता है कि एकदम लगातार बाइक चला के जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो बाइक चलाएगा उसको भी थोड़ा रेस्ट देना होगा, या फिर बाइक को भी थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे, और भी सुंदर सुंदर पहाड़ है, जंगल है, वो भी दिखाएंगे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, आप लोग भी वीडियो देखते रहिए और म्यूजिक के साथ साथ एंजॉय करते रहिए।
नज़ारा बहुत अच्छा है। आगे जाके थोड़ी देर रुकेंगे तो ये देख लीजिए कितना मतलब शांत एनवायरनमेंट है, परिवेश शांत है। इसको बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी। काश हम लोगों का भी घर इधर ही होता। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कोल माइनिंग है। झारखंड में सबसे बड़ा कोल माइनिंग यही है हजारीबाग में। हम लोग अभी हजारीबाग के कोल माइनिंग के पास ही है। सुनसान रोड है, चारों ओर जंगल है। चलते हैं फिर आगे जाके, आगे का वीडियो दिखाते हैं। आप लोग भी देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप लोगों को भी अगर कहीं कभी आना है ऐसे बाइक राइडिंग करके तो हम लोग इसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे आना है कैसे नहीं आना है वो हम लोग भी बोल मतलब अच्छे से आप लोगों को बता देंगे। अभी हम लोग नेशनल हाईवे पकड़ लिए हैं। अभी हम लोग जहां से निकले हैं डाल्टनगंज स्टेशन से, वहां से धनबाद लगभग 350 किलोमीटर है। हम लोग एटलीस्ट 300 किलोमीटर तो आ ही गए हैं। अभी और भी 50 किलोमीटर आगे जाना है, उसके बाद ही धनबाद पहुंचेंगे। ठीक है, चलते हैं धनबाद पहुंच के, उसके बाद ही बताते हैं। आप लोग देखते रहिए वीडियो और एंजॉय करिए। ये जो आप लोग देख रहे हैं हम लोग खड़े हुए हैं, ये हम लोगों का वेस्ट बंगाल और झारखंड का बॉर्डर पे ही हम लोग खड़े हुए हैं। झारखंड क्रॉस कर लिए हैं, अभी वेस्ट बंगाल की तरफ ही जाएंगे उसका रूट पकड़ के। देखते रहिए। अभी हम लोग आसनसोल के एक होटल में रुके हैं क्योंकि अभी लंच का समय हो गया है, देर बज गया है। अभी लंच वंच करेंगे। उधर अनिमेश भैया बैठा हुआ है तो अभी लंच वंच करने के बाद फिर से निकलेंगे दुर्गापुर क्रॉस करके वर्धमान। हम अभी वर्धमान में ही रुके हैं क्योंकि इधर से लोकल ट्रेन पकड़ के हावड़ा जाएंगे और अनिमेश भाई इधर से कोई दूसरा रोड पकड़ के वो अपना घर जाएगा, तो इधर से हम लोकल पकड़ के हावड़ा जाएंगे। अभी बज रहे रात को 11 बजे। हम हावड़ा में एक प्लेटफॉर्म टिकट खरीद के प्लेटफॉर्म में ही रुके हुए हैं क्योंकि हमको सुबह 4:30 बजे बस पकड़ के घर की तरफ जाना है, तो तब तक हम स्टेशन पे ही रुकेंगे। ये हावड़ा स्टेशन है, देख लीजिए आप लोग तो पहचानते ही होंगी। जो इतना बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ है, ये हावड़ा के अलावा और कहीं नहीं देखने को मिलेगा आप लोग। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर।